गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की खास रिपोर्ट। ट्रांसफॉर्मरों को बदले जाने में वसूली करने वालों के खिलाफ तत्काल हो कार्यवाही। सोमेंद्र तोमर बोले, राज्य मंत्री, समाधान सप्ताह कैंप में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का आगमन बुधवार को जिला में हुआ। उन्होंने पहले मीडिया से वार्ता, इसके बाद विद्युत अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करते हुए पीरनगर विद्युत उपकेंद्र पर समाधान सप्ताह कैंप और उपकेंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधितों से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राज्य मंत्री ने लोक निर्माण विभाग में विद्युत विभाग के समस्त अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान जनपद में हो रही समस्या एवं निस्तारण जानकारी ली। उन्होंने प्राप्त आवेदनों, मीटर बदलने एवं नए मीटर, नया कनेक्शन, जर्ज तारों, खराब ट्रांसफार्मरों एवं समय पर बदले जाने वाले ट्रांसफार्मरों, विद्युत बकायेदारों एवं 1,00,000 से अधिक बकायेदारों, ट्यूबवेल का नया कनेक्शन एवं मीटर लगाए जाने, प्रतिनिधियों के व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना लेने व देने के बाबत जानकारी ली। विद्युत विभाग द्वारा रिपोर्ट न तैयार करने एवं जनपद की स्थिति को पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया। अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर टोटल रिपोर्ट तैयार कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया जाए। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया जाए एवं सभी से सहयोग एवं स्वेच्छा से वार्ता की जाए, जर्ज तारों को तत्काल बदला जाए। बैठक के बाद राज्य मंत्री विद्युत उपकेंद्र पीरनगर पर समाधान सप्ताह में पहुँचे, स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारणों के बारे में जानकारी ली। फाइलों के रख रखाव एवं साफ सफाई रखने का निर्देश दिया। पीरनगर उपकेंद्र पर प्राप्त शिकायतों का किए गए निस्तारण के संबंध में सीधे फोन उपभोक्ताओं से पूछा एवं उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी पर संतोषजनक जवाब पाए जाने पर संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समाधान सप्ताह कैंप में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति कनेक्शन, खराब मीटर एवं बड़े बिल से आदि समस्या को लेकर आता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान कराया जाए। ट्रांसफार्मरों को बदले जाने में वसूली करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। राज्य मंत्री ने समस्त जनपदवारियों से अपील किया है कि विद्युत समाधान सप्ताह पर किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे लंबित बिलों का भुगतान, नया कनेक्शन, मीटरों में शिकायत की स्थिति, मीटरों को बदलने, लोड बढ़ाने तथा अन्य किसी भी समस्या को अपने नजदीकी फीटो उपकेंद्रों पर जाकर अपनी अपनी समस्याओं को प्रातः 8 बजे से साया 8 बजे तक उपस्थित होकर तत्काल निस्तारण करा सकते हैं। उस टावर के नीचे से लोगों को गुजरना कहीं ना कहीं खतरे से भरा होता है, लेकिन गाजीपुर में एक ऐसा ट्रांसमिशन लाइन है या टावर है जिसके नीचे से सड़क गुजर रही है, आए दिन उसमें से वाहन आ जा रहे हैं। देखिए, वो तो प्रॉपर एक स्पेस उसे दिया जाता है, प्रॉपर हाइट उसकी होती है। आप यदि कहीं कोई ऐसा स्पेसिफिक आप जगह बताएंगे उसे हम बच्चे को। तलवार गांव में विभागीय अधिकारी और लोगों को लगातार ये पता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी मैं विभागीय अधिकारी के साथ बैठे उस विषय पर मंत्री जी, ग्रामीण इलाकों की थोड़ा बात करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर से लाइनमैन रखे गए हैं तो गाँव में ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पे, ले जाने के नाम पे अवैध वसूली करते हैं और वो ये कहते हैं कि जे हमसे ऊपर से पैसा मांगा जाता है तो हम ऐसा काम करते हैं। इसके लिए क्या ठोस कदम उठा लिया है? देखिए, जहाँ भी इस तरह का कोई विषय हमारे जानकारी में आता है हम लोगों ने कार्रवाई की, और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु द्वार में आते ये योगी जी की सरकार, जहाँ भी कोई भ्रष्टाचार का कोई भी विषय जानकारी में आता है तुरंत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाती है। आप यदि कोई ऐसा विषय बताएंगे और संबंधित अधिकारी से बात करके हम कार्य करते हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको, मोहम्मदाबाद का सबसे बड़ा गांव है शेरपुर। शेरपुर में अभी बाढ़ से घिरा हुआ था और ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पे वहाँ पे वसूली जा रहे थे पैसा, और उसके बाद पैसा नहीं मिला तो ट्रांसफार्मर नहीं मिला, उसके बाद हम हस्ताक्षर किए तब जाकर ट्रांसफार्मर लगाया। जो आपने शेरपुर का विषय बताया, जो संबंधित वहाँ पर हमारा जे या जो भी अधिकारी होगा, लाइनमैन होगा, हम लोग बात करते हैं उस पर, यदि कोई इन्वॉल्वमेंट उनका मिलता है तो कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप अपने पत्रकार मंडली के माध्यम से अपने परिवार के जो हमारे बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा। मैं सुबह 8 बजे बिजली घर पर जब पहुँचा तो मुझे उपलब्ध वहीं पर मिले और समस्या समाधान करते हुए दिखाई। जिस तन्मयता के साथ, जिस सजगता के साथ हमारे परिवार के लोग या अपने विभाग के लोग लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग जो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पर जल्दी से हम लोग निस्तारण भी करेंगे, उनका समाधान भी होगा। अभी भी मैं, जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने लोगों से डायलॉग किया, सीधे उनसे फ़ोन पर बात भी की है, लोग संतुष्ट हैं, व्यवहार से भी संतुष्ट हैं, कार्यशैली से भी संतुष्ट हैं।
एक अच्छा साइन है हमारे विभाग की तरफ से भी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विभाग के जो भी सक्षम अधिकारी इस क्षेत्र में लगे, और मुझे उम्मीद है कि आम आदमी की समस्या इस समाधान दिवस पर हम लोग जरूर ऐसे में सर सवाल ये है कि विद्युत सप्लाई लोगों तक पहुँचाने के लिए विभागीय कर्मचारी अधिकारी तो लगे रहते हैं, लेकिन जो संसाधन है वो काफी जीर्ण जीर्ण है, चाहे वो पावर हाउस हो, चाहे तार हो, चाहे जो भी उपकरण है, और उसको लेकर दशकों से व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ तक कि शहर का एक पावर हाउस ऐसा है जो हर साल बरसात में पानी में डूब जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर क्या आपका है? आने वाले 6 महीने के अंदर, जहाँ आप पुराने दशकों की बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी इस तरह के प्रस्ताव आए, हम लोगों ने रिवेम्प स्कीम में हम लोगों ने कवर किया है। जहाँ पानी की और उसकी है व्यवस्था, उसके लिए हम अलग से एक प्रस्ताव मांगा कर, जहाँ प्रस्ताव नहीं आया होगा वो प्रस्ताव मांगा कर उस पर काम करें।